नमस्कार, मैं के सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड 3 दिवसीय भारत यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रचंड के सचिवालय ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निमंत्रण पर नई दिल्ली का दौरा करने वाले हैं, जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते फिर से मजबूत होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाल के साथ कौन कौन से बड़े समझौती करने वाले हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और सीपीएन माओवादी की स्थायी समिति के सदस्य गणेश साहा ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भाजपा के साथ पार्टी दर पार्टी संबंधों को मजबूत करना है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल लौटने से पहले प्रचंड रविवार को मोदी जी से भी मुलाकात करने वाले हैं। और नेपाल और भारत के बीच फिर से बड़े बड़े समझौते होने लग चुके हैं। और नेपाल के पुष्प कमल दहल प्रचंड ने शुक्रवार 3 दिवसीय भारत यात्रा पर कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और कई विषयों पर समझ बनाने का कार्यक्रम भी रखा गया है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच अनसुलझे मामलों को सुलझाने वाला है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।